Hey, good morning guys. This is Trishit Sahan, a travel vlogger. और आज है हमारा day 3 in कोलकाता. और हम लोग ने आपने देखा रहेगा last videos में कि हम लोग यहाँ पे आए थे. उसके बाद हम लोग ने Airbnb में रेंट किया, काफ़ी कुछ टाइम पास किए थे. अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह है जिसका नाम है कचुकली, एंड दैट इज़ वन विलेज इन वेस्ट बंगाल. तो हम लोग की एक फ्रेंड है जो वहाँ पे रहते हैं, एंजेस्ट्रल होम है उनका. तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो हमने सोचा कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, और कि जानने के लिए कि कैसे विलेज लाइफ होता है वहाँ पे, एंड उनका फूड कैसा है. तो यह उसी के लिए जा रहे हैं. और ये रास्ता कितना, 3 घंटा कुछ है ना, 3-4 घंटा, 3-4 आवर्स कुछ लगेगा वहाँ पे पहुँचने में. और हमारे पास ये बाइक है जो हम लोग ने कल रेंट किया था. तो हम लोग मस्त में इसमें जाने वाले हैं, और व्यू काफ़ी अच्छा है ऐसा मैंने सुना. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी देन. तो गाइस, हम लोग ने हमारे फ्रेंड को पिकअप कर लिया है. हमारे पास यहाँ पे दो गाड़ी है, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं. अनफॉर्चुनेटली हम आपको बता नहीं सकते कि कैमरे के पीछे कौन रहेगा, बिकॉज यू नो प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं. कुछ कुछ लोगों को कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है. तो उस हिसाब से अभी हम लोग निकलने वाले हैं, और यहाँ से अराउंड लगेगा 3 घंटा, अराउंड 3 आवर्स यहाँ से लगेगा. अभी हम लोग कौन से एरिया थे, कैनिंग बोल के एरिया में रुके हुए हैं, और हमारे फ्रेंड ने हमारे लिए मैगी बना के लाया, तो वही इंजॉय कर रहे हैं अभी. हाँ, और यहाँ से कितना टाइम, 1 घंटा 2 घंटा बोल रहा है, अराउंड 2 घंटा लग रहा है 30 किलोमीटर्स के लिए. एंड हमने ये सुना है कि जाते टाइम 2 फेरी हमें क्रॉस करना है, मतलब गाड़ी को बोट पर चढ़ा के लेके जाने का, नदी क्रॉस करना है. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टाइम फॉर मी एटलीस्ट नदी क्रॉस करने का. ये भाई ने फेरी में, मैंने गोवा में किया था वो लास्ट क्रॉस किया था. तो देखते हैं बाइक कैसे चढ़ता है, हमारा बाइक स्कूटी सब कैसे चढ़ता है. यो ये चीयर्स, वेक हियर द बर्ड्स एंड सी द सन, साइड बाय साइड आवर फेस आर डन, ऑल द गुड टाइम्स जस्ट बिगन. सो गाइज, दिस इज चूनाखली. यहाँ पे हम लोग गाड़ी को शिफ्ट करके वो साइड पे लेके जाएंगे. तो ये बहुत फन एक्सपीरियंस होने वाला है, फर्स्ट टाइम हम गाड़ी शिफ्ट कर रहे हैं. तो देखते कैसा रहता है. तो एक्चुअली एक एक जन का यहाँ पे बोट में 3 रुपीज़ है, और पूरा हम लोग का 56 हुआ यहाँ पे दो गाड़ी का, तो दैट इज 22 करके, और 2-3 लोगों का मिला के जितना भी है, तो 3 each एंड 22 फॉर बाइक्स. तो गाइस, हम लोग वो एरिया से यहाँ पे आए, एंड दैट इज़ लाइक जस्ट 100-200 मीटर्स, जब 5 मिनट का ये रहता है. एंड वही ये भी गाड़ी को बाहर निकालना है. सेकेंड टाइम दैट वी नीड टू क्रॉस द रिवर ऑन बोट. तो हमारा दोनों गाड़ी इसी में जाएगा फिर से, एंड वी आर वेटिंग फॉर द बोट टू अराइव. दिस इज़ फन एक्चुअली, फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं कैसे, यू नो, दो बोट्स ऐसे लेके जाने का. नाइस nice.
भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये एक्चुअली थोड़ा स्किड हुआ था बीच में, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर स्किड हुआ था थोड़ा बहुत तो लगी गई। थोड़ा बहुत लगा है बट इट वॉज फन। अभी हम लोग क्या किए कि यहाँ पे गाड़ी हम लोग ने रख दिया क्योंकि हम लोग जा नहीं पाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे गाड़ी लेके। सो कितना लेंगे, 30 कुछ बोला क्या? सो कुछ लेंगे 10 या 30 रुपीज़ समथिंग, और हम लोग गाड़ी रख के फिर आगे जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी लेके हम लोग जा नहीं पाएंगे बोल के। सो गाइस वी केम हियर नियर आवर फ्रेंड्स एंसेस्ट्रल होम, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ना, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। इतना ओल्ड तो मैंने बहुत सालों में नहीं देखा। हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये कैसा है रहता है यहाँ पे, यू नो हेंस डक स्वान्स काउज ये सब कुछ ऑब्वियसली आपको मिलेगा इन ऑफ विलेज, पर हमें फर्स्ट टाइम देखने से फैसिनेशन हो रहा है। एंड वी हैव लंच इन्वाइट हियर, तो हम लोग ऑथेंटिक बंगाली फूड हम लोग खाने वाले हैं विलेज स्टाइल में। और बहुत ही पीसफुल है ना ये लाइफ, मतलब और यहाँ पे इन सबके घर में अपना खुद का पॉन्ड होता है जहाँ पे लोग नो मल्टीपल थिंग्स लाइक बेदिंग एंड और क्या क्या है, कपड़े धोना बेदिंग करना, फिशेस रहेगा तो उसको कल्टिवेट करना, वो सब कुछ होगा। सो इट लुक्स क्वाइट गुड। ये कौन सा अपना इसका घर, किसका घर, इसका घर हेन का लग रहा है। कौन सा हेन का, मुझे क्या पता कौन सा हेन का, हाउ डू आई नो डूड, आई डोंट सी एनी हेन्स इनसाइड। ओके ये हेन का है। हां ये हेन का हमने पहले देखा, हां वहां पे 2-3 थे बड़े वाले, इतने वहां पे है। हां उधर है वो छोटे वाले, यहां पे बड़े वाले थे इतने। हां कोई ऐसा कुछ, ये भी ऐसा कुछ। ओके ये वन ऑफ द रूम्स थे, बेडरूम्स इधर ही थे ना, उधर बेड था और इधर किचन था। हाँ एक यहाँ पे बेडरूम से अंदर और किचन ये साइड में है ना, ये हमारे होस्ट हैं, को होस्ट। हेलो ये है किचन, अंदर जाएंगे एक बार, दूसरा रूम और वो है पॉन्ड। पर्सनल पॉन्ड आई ओवर द रूम, ये है किचन एरिया। हां ऐसे पूल में होता है, इसको लगा देता हूं। हां फ्रीडम को की बना छोटा चाटा। हां अच्छा पेटर चाटा, खेजूर पत्ता चाटा। सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम कचुकली एंड बहुत ही अच्छा दिन रहा हमारा क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कोई विलेज एरिया हम लोग गए थे, पूरा एक्सप्लोर किया, अच्छा खाना खाया हम लोग वहाँ पे, डक और फिश वगैरह खाए हम, और तो यार वो एरिया इतना पीसफुल था एंड पूरा एकदम रॉ विलेज फील आता है वहाँ से।
एंड वापस आते टाइम भी हमें वही बोट लेना पड़ा. इतना डार्क था, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा पानी पे. दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. बहुत ज्यादा लेट हो गया था आते आते. दैट वाज अ डे थोड़ा ऑफ बीट जाने का मन किया था हमें. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू प्लीज लाइक दिस वीडियो. फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. नए हो तो सब्सक्राइब करो. एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस. मैगी कहेगा का मैगी. तो हम लोग अभी निकल. फट. क्वैक. और आगे सेंसर्ड है. शूट को अच्छी तरह.